आपने कहा कि पहले कुछ अच्छा क्या, कोई काम है आपकी नज़र में अच्छा है? बिल्कुल है, बताइए तो। इन्होंने देखिए 370 हटाई, राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, और इन्होंने जो अभिनंदन पाकिस्तान में फंस गए थे उनको वापस लाए, और जो आतंकी हमले होते थे आए दिन वो कम करवाए। नहीं, हमले तो अभी भी हो रहे हैं। हमले तो हो रहे हैं पर पहले से तो कम हुए ना। पहले से कम हुए। पर रिपोर्ट तो बता रही है सैनिक ज्यादा मारे गए पहले से हमारे बारे में। सैनिक देखिए, सैनिक मारे गए हैं वो अब के, पहले बहुत ज्यादा हमले होते थे, पहले उसमें हमलों में बहुत ज्यादा हटते थे, आए दिन हमले की न्यूज आती थी। अब जो है थोड़े बहुत कम हुए हैं, अब साल में एक दो बार आ जाए या। और रही बात कश्मीर की, कश्मीर साइड की, उधर तो ज़्यादा है, वहाँ पे आतंकियों का उधर ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा बॉर्डर का इलाका है बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे तो होंगे। आपने कहा कि धारा 370 हटाई, उससे क्या फ़ायदा हुआ आम लोगों को, इन किसानों को या इस देश को? इस देश को ये फ़ायदा हुआ कि पहले जो 370 होती थी उसमें कई नुकसान होते थे देश में, फिर दो फिर अलग होते थे कानून। तो ऐसे तो कई राज्यों को स्पेशल दर्जे मिले हुए हैं ना? हाँ मिले हुए हैं, पर इन्होंने किसी एक या दो का करा तो है कम से कम, कुछ तो करा। हाँ एक का करा इन्होंने, इन्होंने करा तो सही, दूसरी सरकारों ने तो करा भी नहीं, उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी, इन्होंने कम से कम करा तो सही, इन्होंने इनके पास इतना जिगरा तो था जो इन्होंने करा, तो वो अच्छा काम मानते हैं आप? बिल्कुल अच्छा काम। और मंदिर वाला? मंदिर वाला भी बहुत अच्छा काम था। मंदिर चाहिए इस देश को या फिर स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए या शिक्षा के संस्थान चाहिए, क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो वो जो श्री राम जी के लिए वो यादगार एक जगह है, इसलिए उसको करा गया। बहुत ऐसी यादगार चीजें हैं वो बनी है ना, ये नहीं बना पर घोटाला भी तो हुआ, आपको पता है इस बात का? घोटाला राम मंदिर की, क्या घोटाला हुआ? जमीन खरीदने में घोटाला हुआ। जमीन खरीदने में तो घोटाले क्या, इसमें क्या था? वो चाहते थे कि हमें चाहिए वो जमीन, पर हमें तो अपने जो श्री राम जी हैं उनकी हमें करनी है, हमारा इतिहास है उधर का। ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, पिछले 9 महीने होने वाले हैं, सरकार तो अभी टस से मच नहीं हुई, सरकार तो मना कर रही है कि हम कानून तो वापस नहीं करेंगे। ठीक है मत करिए फिर आप, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा तो किसानों का नुकसान होगा ना? किसानों का नुकसान तो होगा, पर अगर ये कानून लागू हो जाएंगे तो भी नुकसान ही होगा, तो ज़्यादा नुकसान होगा। आपको इतना ज्ञान है, क्या कोई तरीका है आप जो बता सकते हैं कि इस तरीके से अगर लड़ाई लड़ी जाए तो क्या हम जीत सकते हैं, कोई ऐसा तरीका है? ये बिल्कुल सही तरीका है आंदोलन का, बिल्कुल। अगर ये सारी चीज़ें सही कर लेंगे फिर ये तो भगवान हो गए, और भारतीय जनता पार्टी भगवानों की पार्टी है। गलती तो होती है आदमी से, पर उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। पर ये माफ़ी नहीं मांगते? कहाँ मांगी इन्होंने ये जो हो रहा है। तो कह रहे हैं ये माफ़ी नहीं मांगते। नहीं मांगते। किसानों पे तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? उसको ये देखते हैं कि ये आरोप गलत है, अगर ये किसान खेती नहीं करेगा तो फिर ये जो देश है ये चलेगा नहीं। शांति है, देश विकास कर रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन किसान हिंदू आंदोलन में लगे हुए हैं। आपने पूरे देश के लिए कहा कि विकास हो रहा है, पर किसान का विकास तो नहीं हो रहा। अगर किसान का विकास हुआ होता तो किसान आंदोलन में नहीं होता। कैसे देश का वक्त बर्बाद कर रहे हैं कुछ लोग हैं? किसान अपने हकों के लिए है यहाँ पे, इसमें वक्त बर्बाद क्या? जो गलती होगी सरकार से उसका विरोध तो होगा। कहते देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आके आंदोलन पे बैठ जाते हैं, धरने बैठ जाते हैं, कहाँ से विकास होगा? विकास तो देखिए, विकास सब कुछ होगा, किसानों का विकास जरूरी है, किसानों का विकास भी जरूरी है। विकास कैसे है? आप कहते हैं कि विकास कैसे होगा? विकास ऐसे होगा जब देश की जनता, जब किसानों की बात सुनी जाएगी तब विकास होगा। सुनती जो दोगुनी आय करी है उन्होंने, कहाँ कर दी आपने? मुझे लगता है आपने कुछ रिसर्च नहीं करी, थोड़ी रिसर्च करिए, कहाँ आए दुगनी हुई, किसानों से जाके पूछिए। मोदी जी साहब कह रहे हैं ना, तो मोदी जी के कहने से क्या होता है? प्रूफ दिखाएं, किसानों के पास जाएं। मैं गांव गांव गया हूँ, मैंने 1 लाख किलोमीटर
किलोमीटर की यात्रा करी है, आपने करी है? कहाँ कहाँ गए आप 1 लाख किलोमीटर? हम बंगाल गए थे, सुजानगढ़ गए, हम हरियाणा गए, पंजाब गए, दिल्ली गए हैं। 1 लाख किलोमीटर हो गया आपका? क्यों नहीं हुआ, गांव गांव में गए हैं, गांव गांव में, जो हमारी हवाई यात्रा भी हम इसमें शामिल रखते हैं उसको भी गिनेंगे, क्योंकि उसमें भी हमने सफर करा है, उसमें भी हमने यात्रा करी है। मैं पिकनिक तो मनाने नहीं गया था, जो उधर यात्रा में गांव गांव गया। मोदी साहब भी पिकनिक थोड़ी मनाते, दूसरे देशों में जा रहे थे, वो भी अपने देशों से कनेक्ट करने के लिए जा रहे थे। हम कब कहते हैं उन्होंने गलती कर दी जाके? अच्छा, हम कौन सी इनके खिलाफ हैं? हम तो इन कानूनों के खिलाफ हैं। आप उनके खिलाफ नहीं हो, कानूनों के खिलाफ हो, आप उनको हराने की बात करते हो, सरकार के विरोध में नहीं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, जो देश के किसान शहीद हुए उनके लिए मौन नहीं रख रहे। नहीं, एक क्वेश्चन इस पे और है कि जैसे आपका कानून मुद्दा है, किसी और लोगों का कुछ और मुद्दा है, तो सब अपने मुद्दे की बात करता है, इसलिए प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते हैं। तो आपका मान लिया किसान वाला मुद्दा हल हो जाएगा तो आप पसंद करने लगेंगे, लेकिन दूसरों का जो मुद्दा हल नहीं होता है उनको तो बुरा लगेगा ना। फिर एनआरसी वाला मुद्दा चलाता, वो भी अपनी मांग कर रहे थे, वो भी अपनी मांग की थी। उनकी आप बात ही मत करिए। हाँ, अभी आप किसान आंदोलन में आए हैं, मैं किसान आंदोलन की बात करता हूँ, आप किसान आंदोलन की बात करिए। तो इसका मतलब कि आप प्रधानमंत्री को इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कृषि कानून वापस नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल, जो 500 किसान शहीद हुए उनके लिए मौन नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम इनको अब थोड़ी दिल से जगह निकल गई है इनके लिए। अगर देखिए मैंने मुझे रटवाया होता तो फिर मैं ऐसे डर डर के बोलता, ऐसे बैठ के आराम से, ऐसे बिल्कुल डर डर के बोलता, मेरा अलग मुंह दिखता। मुझे नहीं सिखाया गया, मुझे नहीं रटाया गया, जो मेरे मुझे संस्कार दिए गए हैं बचपन से, जो मैंने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करी है उसमें मुझे जो नॉलेज मिली, मैं बड़े जो किसान नेताओं के इंटरव्यू सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। कुछ लोग तो आपकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये पता नहीं माँ बाप ने इनको पढ़ाना चाहिए था, तो क्या ये कानून की बातें हैं, बॉर्डर की बातें हैं? अच्छा, राजनीति क्या बना रहे हैं बच्चे में? मतलब मैं तो भाई मैं पढ़ता ही नहीं हूँ फिर तो। हाँ, इसमें इनका कहने का मतलब क्या? कहना चाहते कुछ बोलो। मैं कहना चाहता हूँ कि फिर मैं पढ़ाई नहीं करता, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ हाँ। और मैं जो अब मेरे जब स्कूल खुल गए, पहले ऑनलाइन क्लासें थी, अब जब मेरे स्कूल खुले हैं, मेरा स्कूल का नाम है SMD स्मार्ट स्कूल जो कि फिरोजपुर गुरुवर साहिब में है, उधर मैं पढ़ता हूँ, बोर्डिंग स्कूल है वो। हाँ हाँ। उधर मैं पढ़ाई करता हूँ। हाँ हाँ। उधर जब सैटरडे संडे को जब छुट्टी होती है तब मैं किसानों के साथ रहता हूँ, जब जब नहीं होती है तब मैं इधर रहता हूँ, पढ़ाई तो मेरी जारी रखूँगा मैं। हाँ हाँ। लेकिन कुछ लोग जो हैं ये भी दुआ कर रहे हैं कि आपने कहा था कि प्रधानमंत्री मेरा बनना ख्वाब है, बोलते हैं कि प्रधानमंत्री बने या देश के लिए अच्छा करे, कृषि का जो कानून है इन पर काम करे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कहते हैं कि ये मेरे बारे में इतना अच्छा कहते हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी आपकी इंसानियत नहीं मरी है, अभी आपकी इंसानियत जिंदा है। हाँ हाँ। और अंधभक्तों को क्या कहेंगे, अंधभक्त जो आपको बुरा भला कह रहे हैं? अंधभक्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ भाई आपकी इंसानियत कहाँ मर गई, अपने अंधेपन से बाहर आ जाइए, किसानों का साथ दीजिए, किसान अन्नदाता का साथ दे दीजिए, किसी के बैठाए हुए आप जो बंदे हैं, जो IT सेल आप चलाते हैं उसको छोड़ के किसानों के साथ आइए। ये फिर अगर आप ऐसे ही रहेंगे और ये सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी फिर ये चले जाएंगे, फिर आप देखिए, फिर जब आएंगे ना फिर हम बताएंगे आपको, फिर आइएगा हमारे पास। अच्छे, कितने सालों जब आप कितने छोटे थे, कितने उम्र के थे तब से आप इन सब चीज़ों में सामाजिक काम में हाथ बटा रहे हैं, जैसे आज किसान आंदोलन में आपने कहा 1 लाख यात्रा हमने की है, कब से कर रहे हैं इसे, लोगों को बताइए आप इसको? मैं जो भी सही होती है, जो भी सच होता है वो सच की आवाज़ उठाता हूँ मैं। जब भी कोई भी टॉपिक आता था, कोई भी ऐसी सच की आवाज़ होती थी जिसमें वो सच बोल रहा होता था, जो भी आंदोलन करता था, जो भी जिसका भी विरोध करता था, जो भी सच बोलता था मैं उसके साथ हूँ हमेशा। अच्छा, कृषि कानून के बारे में जैसे कह रहा रटाया है, बाकी और चीज़ आपको क्या पता है, किस क्या चीज़ के बारे में आप और जानते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं सब चीज़ों के बारे में जानता हूँ, जैसे कुछ बताइए हमारे दर्शक को। क्या बताऊँ, आप बताइए मुझे। हाँ। मैं क्या बताऊँ, भारत की राजनीति किस तरह से अभी हो रही है, किस तरह से चल रही है, उस पर आप बता दीजिए। भारत की राजनीति तो ऐसी चल रही है कि झूठे लफड़े लोग हैं
इनसे कुछ होता है नहीं, इन्होंने अच्छे अच्छे काम करे हैं, पर अगर इनसे गलती होती है तो ये माफी भी नहीं मांगते हैं। जो देश की जो किसान शहीद हुए 500 किसान, उनके लिए मौन भी नहीं रखते ये लोग। तो कह रहे हैं राजनीति सही नहीं चल रही है देश की। तो भारत में सबसे अच्छे राजनेता जो है आपको कौन अच्छा लगता है, जो लगता है कि नहीं इसको होना चाहिए प्रधानमंत्री? मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगता।